जब 12 दिन बीत गए, सभी दौड़े दौड़े आए और दौड़ करके आए तो वसुदेव जी से कहा, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हाय हमारे कृष्ण को, हमारे द्वारिका के महाराज को पता नहीं क्या हो गया, गुफा में गए लेकिन बाहर नहीं आए। अरे हमने गुफा के बाहर रक्त की धार आते देखी, लगता है किसी ने उन्हें मार डाला है। द्वारिकावासी मोहित हो गए भगवान की माया में, क्योंकि हिरण के नाभि में ही सुगंध आती है लेकिन वो जंगल में ढूंढती है, साथ में रहते हुए भी मोह में डाल देते हैं परमात्मा। जो जन्म नहीं लेता वो मरेगा कैसे, विचार करी। जो जन्म ही नहीं लिया वो मर कैसे सकता है। तो बोले हाय उस गुफा से खून की धार निकली, मेरे परमात्मा तो गए। हाय हम अनाथ हो गए, सब सिर पीटने लगे, रोने लगे। वसुदेव जी भी मोहित हो गए, वे भी रोने लगे। और जब रोने लगे, दुखी हो गए, तो दुखी हो करके आज बोले प्रार्थना करने लगे, हाय हमारे पुत्र को क्या हुआ, हमारा पुत्र कहाँ गया, कौन सी ऐसी हवा आई, ऐसी कौन सी विपत्ति थी जिसके चंगुल में हमारा पुत्र फंस गया। वसुदेव जी रो रहे हैं, मैया देवी की रो रही हैं, और जब रोते रोते उनको देखा है किसने, नारद जी महाराज। नारद जी आए, नारद जी ने देखा, अरे आप दुखी हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश महाराज अच्युत केशव बोले सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं परमात्मा जिसके पुत्र बनकर प्रकट हो गए उनके पिता दुखी हैं। हाय हाय ये बलवती माया ने आपको भी घेर लिया। बोले आपकी चिंता का कारण बताओ। आज नारद जी से बताने लगे, बोले वो मणि चोरी हुई, कहाँ गई कुछ नहीं पता, पर मेरे पुत्र को उसका कलंक लग गया। उस कलंक को मिटाने के लिए अपने संगी साथियों को लेकर वन में गया। वन में गया तो क्या पाते हैं, वहाँ 12 दिन तक प्रतीक्षा करने को कहा। 12 दिन बीतने के बाद बोले रक्त की धारा बाहर निकली। इनने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, ये सभी उसे छोड़कर चले आए, लेकिन मेरे पुत्र का कोई अता पता नहीं, लौट कर मेरा पुत्र नहीं आया है। नारद जी ने कहा बस इतनी सी चिंता, तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो जो जगत की चिंता करने वाला है। यही तो है माता पिता का प्रेम, अपने पुत्र को जो जगत का पिता है, जगत का पालन करता है, उसे अपना पुत्र मानकर मोह जागृत हो गया। बोले बस इतनी सी चिंता, अरे आपकी चिंता एक क्षण में मिट जाएगी। बोले क्या करना हो, बोले एक काम करो, तुम नवरात्रि का व्रत करो, 9 दिन का व्रत करो और माता की कथा को 9 दिन तक सुनो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा।